हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ स्कैपुला का पूरा आपका सरफेस लैंडमार्क्स या बोनी लैंडमार्क्स और अटैचमेंट के बारे में। तो ये मेरे लिए भी एक रिवीजन वीडियो होगा कि मैं वापस इस वीडियो को देख करके खुद भी रिवाइज कर लूँ और आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने सोचा इसको भी एक बना देना चाहिए। तो ये फर्स्ट ईयर MBBS का सिलेबस है, तो इट्स कॉल्ड द स्कैपुला, ये आप देख सकते हो। और ये कैसा, आपको पहले एनाटॉमिकल पोजीशन में इसको पकड़ना सीखना पड़ेगा। तो व्हाट इज द एनाटॉमिकल पोजीशन, जिस पोजीशन में आपका ये हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में आपने टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी से पढ़ लिया होगा। जिस पोजीशन में हम लोग ऐसे नॉर्मल खड़े रहते हैं उसमें हम लोग की एनाटॉमी की स्टडी होती है। तो जैसे कि ये वाला है, यहाँ पे आपका शोल्डर आएगा, शोल्डर का यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी, ये ग्लिनोइड कैविटी है। तो शोल्डर का यहाँ पे मतलब ह्यूमरस वाला पोर्शन आएगा। तो यहाँ पे इधर वाला आपका लैटरल साइड हो गया, इधर वाला आपका मीडियल साइड हो गया, ठीक है। तो ये वाला कुछ ऐसा रहेगा। तो इसका जो ये कैसे पता चलेगा कि आगे है कि पीछे है, क्योंकि ये पीछे में इसका क्या है, ये वाले प्रोसेस पीछे में है और आगे में ये प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ आगे में ये हो गया और ये हो गया आपका पीछे। तो अगर इसका एनाटॉमिकल पोजीशन में हेल्प करना हो तो यहाँ का ऐसे बोन होगा, ठीक है। अब सेकंड पोर्शन क्या देखना है कि इसमें दो सर्फेस होता है, दो सर्फेस है। कॉस्टल सर्फेस, इसको बोलते हैं आगे वाले को कॉस्टल सर्फेस, पीछे वाले को बोलते हैं डोर्सल सर्फेस। तो कॉस्टल सर्फेस आपको थोड़ा ऐसा दिख रहा है, ऐसा मतलब ये थोड़ा सा क्या है, कंकेव है। एंड डोर्सल सर्फेस क्या है, आपका थोड़ा सा कन्वेक्स है, ठीक है। तो ये कंकेव और कन्वेक्स हो गया। आगे में जो है ये आपका यहाँ पे क्या अटैच होता है, सब स्कैपुलर फोसा, यहाँ पे सब स्कैपुलर मसल अटैच होता है। तो यहाँ पे ये फोसा बना रहा है, गड्ढा जैसा बना रहा है, तो सब स्कैपुलर फोसा इसको बोलेंगे। और पीछे में यहाँ पे दो यहाँ पे है, एक ऊपर एक नीचे। तो ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, सुपेरियर सुपरा स्कैपुलर फोसा, और नीचे वाले को बोलते हैं इंफ्रा स्कैपुलर फोसा। तो ये आपको हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया दो सर्फेस के बारे में। थ्री बॉर्डर्स होते हैं इसके, तीन बॉर्डर्स होते हैं। तो तीन बॉर्डर्स कौन कौन से होते हैं, ये है आपका सुपेरियर बॉर्डर, ये वाला है आपका सुपेरियर बॉर्डर। ये वाला कौन सा बॉर्डर हो जाएगा, मीडियल बॉर्डर, जो कि रिब्स के सामने रहेगा। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, लैटरल बॉर्डर, ओके। तो ये हो गया, तो जो लैटरल बॉर्डर है वो आप देख सकते हैं कितना ठीक है, ठीक है, ये कितना मोटा है और ये वाला थोड़ा सा पतला है, ठीक है। और इसमें अब देखिए सुपीरियर बॉर्डर में क्या होता है, एक नॉच होती है। नॉच मतलब ये जो छोटा सा ऐसे दिख रहा है, ये वाली चीज, ये वाला है आपका सुपरा स्कैपुलर नॉच, ठीक है। और इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबर्कल मतलब यहाँ लैटरल बॉर्डर में यहाँ पे आपका होता है, यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, ये होता है आपका इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबर्कल, और यहाँ पे होता है सुपरा ग्लिनोइड ट्यूबर्कल, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका थ्री एंगल्स होते हैं इसमें। ये पहला एंगल है इधर सुपेरियर एंगल, ऊपर है तो सुपेरियर एंगल, नीचे वाला ये है इन्फेरियर एंगल, और इधर में आपका आ जाएगा लैटरल एंगल, ठीक है। उस थ्री प्रोसेसेस होते हैं इसमें। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला हो गया इसका एक्रोमियन प्रोसेस, ये पीछे में दिख रहा है आपको ये वाला हो गया आपका कोरेकॉइड प्रोसेस, और इसके पीछे में ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, ये हो गया आपका स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। तो स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, एंड यहाँ पे आपका ये वाला जो है ये हो जाएगा कोरेकॉइड प्रोसेस। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आएगा, ये इसका एनाटॉमिकल प्रोसेस पोजीशन है, ये इसका मीडियल एंगल मीडियल बॉर्डर है, ये इसका लैटरल बॉर्डर है, ये इसका सुपीरियर बॉर्डर है, ये इसका क्या है सुपरा स्कैपुलर नॉच है, यहाँ पे आपका क्या सब स्कैपुलर मसल होगा जो सब स्कैपुलर फोसा है, यहाँ पे आपका इंफ्रा स्कैपुलर फोसा है, यहाँ पे सुपरा स्कैपुलर फोसा है, यहाँ पे इंफ्रा स्कैपुलर फोसा है। ये पूरा पोर्शन जो है इंफ्रा स्कैपुलर फोसा है, और ये पूरा पोर्शन जो है ये सुपरा स्कैपुलर फोसा है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो इसका जो स्पाइनस प्रोसेस है उसका एक ऊपर वाला पोर्शन है, इसको अपर लिप बोलेंगे, नीचे वाला पोर्शन है लोअर लिप बोलेंगे, इसको पूरे को बोलेंगे क्रेस्ट। तो ये क्रेस्ट हो गया, ये है रूट ऑफ द स्पाइन, ये यहाँ पे आपका रूट ऑफ द स्पाइन हो गया। ये एक्रोमियन है जिसके पास यहाँ पे एक फैसेट होता है जहाँ से क्लेविकल अटैच होती है, ठीक है। यहाँ पे एक फैसेट होता है जहाँ से क्लेविकल अटैच होती है, और क्या बताना रह गया। और ये कोराकोइड प्रोसेस है, यहाँ पे आपका ग्लिनोइड कैविटी है, ठीक है, ये ग्लिनोइड फोसा है। तो यहाँ पे आपका शोल्डर जॉइंट बनता है। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और इसको मैं एक बार एनाटॉमिकल 3D ऐप जो है उससे समझा देती हूँ, और उसमें अगर कुछ रह गया होगा तो पता चल जाएगा। हाँ, एक और चीज़ है, ये इसको नेक बोलते हैं, नेक ऑफ द स्कैपुला, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक को ऐसे इसको नेक बोला जाता है ऐसे, ठीक है। चलिए, देखिए ये आपका स्कैपुला है, ये स्कैपुला का आपका कौन सा पोर्शन है, पोस्टीरियर वाला पीछे का पोर्शन है, ये आपका पीछे वाला पोर्शन है, और ये वाला आपका क्या है आगे का पोर्शन है, ये वाला आपका आगे का पोर्शन है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका ऊपर वाला है इसको क्या बोलेंगे, सुपीरियर एंगल बोलेंगे, मैंने बता दिया। इसको क्या बोलेंगे, मीडियल बॉर्डर बोलेंगे, बता दिया। इसको क्या बोलेंगे, इसको इंफीरियर एंगल बोलेंगे, बता दिया। इसको ऐसे नहीं होल्ड करना है, इसको ऐसे होल्ड करना है, तब पता चलेगा ये रिब्स के पास है, तो ये मीडियल हुआ और ये लैटरल साइड हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, इंफ्रा स्पाइनस फोसा है। तो ये पीछे वाला प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं, तो ये पूरा इंफ्रा स्पाइनस फोसा है। ऊपर वाला क्या है, सुपरा स्पाइनस फोसा है। उसके बाद सबसे ऊपर में क्या है, ये सुपीरियर आपका बॉर्डर है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक डेल्टॉइड ट्यूबर्कल होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक सुपरा स्कैपुलर नोच है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पे है सुपरा स्कैपुलर नोच। उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला। उसके बाद ये वाला है आपका एक्रोमियन प्रोसेस, और उसके बाद आपका इंफ्राग्लिनोइड, ये वाला आपका इंफ्राग्लिनोइड, और यहाँ पे इसी के जस्ट ये वाला दिख रहा है, ये वाला प्रोसेस के जस्ट ऊपर वाला रीजन, यहाँ पे भी दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे ये रेड वाला रीजन, इसको सुपराग्लिनोइड ट्यूबर्कल बोलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे में ग्लिनोइड के ऊपर सुपराग्लिनोइड, ग्लिनोइड के नीचे इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबर्कल, ठीक है। तो ये भी हो गया, और ये पूरा का पूरा ये ग्लिनोइड का कैविटी हो गया। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, लैटरल एंगल हो गया। उसके बाद ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया, नेक हो गया। और उसके बाद ये हो गया, ये कोराकोइड प्रोसेस हो गया, ये एक्रोमियन हो गया, आई होप सब क्लियर है। लैटरल बॉर्डर हो गया, हाँ ठीक है। यहाँ पे भी नेक ऑफ स्कैपुला, इंफ्राग्लिनोइड, एक्रोमियन एंड क्लेविकुलर फैसेट। तो मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे क्लेविकुलर फैसेट रहता है, ठीक है। तो ये वाला फैसेट एक्चुअली क्लेविकुलर फैसेट रहता है, ठीक है। तो ये वाला पूरा का पूरा आपको क्लियर हो गया है, तो इट्स कॉल्ड द स्कैपुला। हाँ, एक और चीज़ है, इसमें तीन लॉन्गिट्यूडनल आपको दिख रहे रीजेस जैसे हैं, वो यहाँ पे रहते हैं,
कोस्टल सर्फेसिस पे, ठीक है। ये चीज़ हो गया और हम लोग इसका मस्कुलर अटैचमेंट देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये मैंने इसके रिब्स को उड़ा दिया है। ये आपका क्लेविकल पोर्शन है, ठीक है। ये आपका स्कैपुला पोर्शन है और ये आपका कौन सा पोर्शन है, ह्यूमरस पोर्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये जो ग्लिनोइड कैविटी का मैं बात कर रही थी, यहाँ से क्या है शोल्डर आपका मतलब कि ह्यूमरस अटैच हो रहा है। उसके बाद आपका ये जो क्लेविकल है, ये कौन सा, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस का यहाँ पे जो आपका फैसेट था यहाँ पे, उससे आपका क्या क्लेविकल अटैच हो रहा है। तो अब मैं इस क्लेविकल को भी उड़ा देती हूँ। अब हम लोग देखेंगे कि इसका क्या क्या मस्कुलर अटैचमेंट्स है। तो पहले सबसे आगे में क्या मैंने बताया था, यहाँ पे सुपर सब स्कैपुलर फोसा है। तो यहाँ सब स्कैपुलर क्या होगा, मसल होगा। देख लीजिए आप कैसे आता है। तो ये रहा आपका सब स्कैपुलर मसल, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके साइड में, यहाँ पे जो साइड है, साइड में क्या है। यहाँ पे देखिए जो रेड कलर पोर्शन है वो आपका है ओरिजिन, और जो ब्लू कलर पोर्शन है वो आपका है अटैचमेंट मतलब इंसर्शन। तो यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है सब स्कैपुलर मसल का। यहाँ पे आपका सेरेटस एंटीरियर मसल आता है, यहाँ पे सेरेटस एंटीरियर मसल आता है, ठीक है। इसके 8 डिजिटेशन आते हैं सेरेटस एंटीरियर मसल के। अगर आपको देखना है कि कैसे दिखता है तो मैं दिखाती हूँ। देखिए कुछ ऐसा, यहाँ पे रिब्स रहेंगे, तो मैंने वो रिब्स हटा दिया फिलहाल। तो ये देख रहे हैं आप 8 डिजिटेशन आ रहे हैं इसके। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपका इसका जो मीडियल बॉर्डर है, देखिए मीडियल बॉर्डर मैं इसका बात कर रही हूँ इसका, ठीक है। इस मीडियल बॉर्डर में सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर में आपका आता है लेवेटर स्कैपुले मसल, ठीक है। इसका क्या है, ये इंसर्शन, ये देखिए ऐसे कुछ ऐसा, ठीक है। ये ख़त्म। उसके बाद ये वाला क्या है, रोम्बॉइड माइनर मसल का इंसर्शन, ये कुछ ऐसा आता है। और फिर ये है आपका रोम्बॉइड मेजर मसल का इंसर्शन, वो कुछ ऐसा आता है। देखिए दिख रहा है आपको। तो ये का जो कोस्टल सरफेस का जितने भी अटैचमेंट है वो कंप्लीट हो गया। याद करवा दो, ये क्या है सब स्कैपुलर मसल, यहाँ पे क्या है लेवेटर स्कैपुलर मसल, रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर। चलिए तो ये हो गया। उसके बाद सेरेटस इंटीरियर तो भूल गया, सेरेटस इंटीरियर मसल। तो ये हो गया आपका। अब पीछे वाले सर्फेस का देख लेते हैं। तो पीछे वाले सर्फेस में मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ओरिजिन है सुपरा स्पाइनेटस मसल का, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे में क्या है, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल का ओरिजिन है। तो उसके बाद आपका और नीचे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे टेरिस मेजर, और ये वाला जो है आपका इधर में ये आपका हो जाएगा टेरिस माइनर। और जो नीचे में है यहाँ पे आपका हो जाएगा, सब ओरिजिन का बात कर रही हूँ मैं, टेरिसमस डोर्साई। तो आपको अगर देखना है कैसे, ये है आपका सुपरा स्पाइनेटस, ये है इंफ्रा स्पाइनेटस, ये है टेरिस मेजर, ये है टेरिस माइनर, और ये वाला लैटिसमस डोर्सा। देख रहे हैं लैटिसमस डोर्सा कितना बड़ा मसल है, मैं अच्छे से दिखाऊं तो आपको। ये बैक का मसल है, देखो ये थोड़ा सा रिप्स मैंने छोड़ दिया था, तो ये बैक का मसल है। एंड ये इसके यहाँ पे ये ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ से छोटा सा पोर्शन से इन्फीरियर एंगल से ओरिजिनेट हो रहा है। तो ये सब समझ में आ गया आपको, आई होप सो। तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ ये वाला, इसका जो स्पाइन है, स्पाइनो एक्रोमियन है, उसमें क्या क्या आते हैं। हाँ एक और चीज़ है, एक और यहाँ पे छोटा सा छूट गया, ये है यहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। तो यहाँ पे हो आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स यहाँ पे, ठीक है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स आपका जुड़ता है, ठीक है। तो इसको भी देखना है तो देख सकते हो, ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये तुम्हारा जा रहा है ना ह्यूमरस पे, तो ये तुम्हारा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स हो गया। उसके बाद फिर ये वाला जो है, यहाँ पे अटैचमेंट होती है मतलब इंसर्शन होती है ट्रेपेजियस मसल की। तो अब देख रहे हो ट्रेपेजियस मसल कितना बड़ा है, ये रहा पूरा ट्रेपेजियस मसल, उसका यहाँ पे क्या है इंसर्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हो गया। और फिर ये जो आपका इधर में डेल्टॉइड, तो ये डेल्टॉइड मसल का यहाँ पे, ये डेल्टॉइड मतलब हमारे इस पोर्शन को डेल्टॉइड मसल यहाँ पे होता है, तो उसको क्या करता है ये, उसका ओरिजिन है। तो ये हो गया। तो और क्या क्या मसल्स बच गए अभी, और कुछ बचा, एक छोटा सा यहाँ पे बचा है, इस यहाँ पे बाइसेप्स ब्रैकाई मसल का ओरिजिन है, ठीक है। और यहाँ पे भी बाइसेप्स ब्रैकाई मसल का ओरिजिन है। तो आप देख लो, देखो शॉर्ट है तो लॉन्ग है, दोनों के मसल का यहाँ पे ओरिजिन हो जा रहा है एक एक जगह पे। और ये भी आपका बाइसेप्स ब्रैकाई मसल हो गया, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों का यहाँ पे ओरिजिन है। उसके बाद तो ये पूरा कंप्लीट होता है, कुछ बचा गया, हाँ एक छोटा सा यहाँ बचा है, यह है आपका पेक्टोरिलिस माइनर मसल, उसका यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है। यहाँ पे ऐसे आता है पेक्टोरिलिस माइनर, ऐसे यहाँ से आता है ऐसे। तो ये चीज़ जो है आपका वहाँ पे इंसर्शन हो रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ है छोटा सा यहाँ पे, हाँ ये तो बता दिया मैंने, यहाँ पे ओमोहॉइड मसल। तो यहाँ पे एक ओमोहॉइड मसल होता है। तो ये आई होप सो सब क्लियर है, बाइसेप्स ब्रेकर ब्राइसेप्स ब्रेकर, हाँ सब क्लियर हो गया। अल्फा टूटे बाद में आती हूँ दूसरे बोन को लेकर के। बाय बाय।